अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं गाइस? आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है किसी भी एलईडी एलसीडी के अंदर यूनिवर्सल बोर्ड मैं लगाना सिखाऊंगा, मैं पूरे कनेक्शंस बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये स्क्रीन को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलें गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो है गेमिंग पीसी की एक मेरे पास जो है 19.5 इंच की एलईडी स्क्रीन थी एचपी की, जो ख़राब हो गई थी। उसका पैनल मुझे आगे का जो डिस्प्ले होता है ये नहीं मिल रहा था मुझे। तो आज फाइनली मैंने अपने एक फ्रेंड को मैंने बोला हुआ था, उसने मुझे जो है लाहौर से मंगवा के दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला मेरा पुराने वाला है और ये जो पड़ा हुआ है ये बिल्कुल इसने जो है मुझे समझ लें ऑलमोस्ट न्यू उसने मुझे मंगवा के दिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है प्राइस उसकी। इसकी मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि लाहौर से आया है और ये मेरे फ्रेंड ने मुझे मंगवा के दिया, तो प्राइस अभी उसने मुझे बताई नहीं है कि कितने का है। ये 19.5 इंचेस जो है वाइट एलईडी पैनल है ये, और उसके साथ आप लोग यही देख सकते हैं कि इसका जो कवर है बेसिकली इसका जो पैनल सेंसर होता है यूनिवर्सल बोर्ड का, उसके लिए फिर इस पर कटिंग करनी पड़ती, जबकि मैं इसमें कटिंग नहीं करना चाह रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसी के जो सामने जो पैनल होते हैं उसके अंदर से मैंने कनेक्शन निकाल लिए इसकी पावर एलईडी के और इसके ऑन ऑफ स्विच के बस, और उसके साथ जो है मैंने इसका जो आगे जो वो होता है बटन की जो होती है वो मैंने निकाल दी है। सिर्फ इसका मैं आईआर सेंसर रिमोट में यूज़ करूँगा क्योंकि ये एलईडी स्क्रीन जो है सिर्फ मुझे वीजीए केबल के ऊपर यूज़ करनी है, एज अ स्लेव सेकेंड मॉनिटर यूज़ करना है। उसके बाद अब इसके आ जाते हैं सर्किट्स के ऊपर। तो ये गाइस मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने सोल्डरिंग वगैरह इसके अंदर कर ली है। आप लोगों को मैं वर्बली इसके कनेक्शन समझा दूँगा, ये कोई भी कर सकता है इसके कनेक्शंस। तो आप लोग पहले देख सकते हैं कि इसकी एलईडी के जो वो स्ट्रिप जो उसके अंदर जो लाइट्स होती है बैक लाइट, उसको ड्राइव करने के लिए मैंने जो उसका जो ओरिजिनल जो पावर सप्लाई का जो पार्ट था एलईडी का, मैंने वही यूज़ किया है। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसके कनेक्शंस दिखा देता हूँ। गाइस, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है, ठीक है। ये इसके अंदर जो है इसका एलवीडीएस जैक है, ये तो आपको पता ही होगा कि एलवीडीएस जैक पे एक ग्रीन कलर का स्पॉट होता है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये स्पॉट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का, ये एलवीडीएस का जो है बेसिकली पॉजिटिव वायर्स की इंडिकेशन करता है। तो ये जो है आपने बिल्कुल ग्रीन स्पॉट जो है लेफ्ट साइड से लगाना शुरू करना है, इस साइड से आपने लगाना शुरू करना है ये ग्रीन स्पॉट से। एलवीडीएस जैक जो होता है आपकी जो रेड कलर की जो वायर्स हैं ये लेफ्ट साइड पे आनी चाहिए हैं, और उसके साथ ये सिलेक्टर स्विचेस हैं यहाँ पे, ये बेसिकली सिलेक्टर पिंस हैं। आपने अपने पैनल का, मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ, उसके वोल्टेज आपने सेट इसके ऊपर कर लेने 3.3, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। 12 वोल्ट पे बड़े पैनल्स डिज़ाइन होते हैं 32-42 इंचेस के, जो नॉर्मल जो पैनल आपके होते हैं जो 15 इंचेस से ले के जो आपके जो होते हैं क्या नाम है 24 इंचेस तक जो है वो 5 वोल्ट पे डिज़ाइन होते हैं, और जो आपके उससे छोटे पैनल्स होते हैं वो 3.3 वोल्ट पे डिज़ाइन होते हैं। ये मैं आपको सारा बताऊंगा कि आपने कैसे देखना है कि आपका पैनल कितने वोल्ट पे डिज़ाइन है जो डिस्प्ले है आपका। उसके बाद जो है अब आप लोग देख सकते हैं कि इसको मैंने कार्ड को ड्राइव करने के लिए ये नॉर्मल मैंने 12 वोल्ट 4 एम्स की मैंने पावर सप्लाई यूज़ की है, क्योंकि इस सर्किट के अंदर कहीं पे भी जिसकी जो मेन पावर सप्लाई है कहीं पर भी 12 वोल्ट नहीं मुझे देखने को मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर ली है। तो अब मैं आपको ज़रा ये दिखा देता हूँ कि इसके अब आपने मैंने क्या किया है कि इसके सर्किट के अंदर से इसके मैंने बैक लाइट के कनेक्शन निकाले हैं। बेसिकली इसमें बैक लाइट के तीन कनेक्शन होते हैं, बैक लाइट की आपकी मेन जो पल्स होती है 5 वोल्ट की वो होती है, एक ग्राउंड होती है, और एक आपने इसकी जो एडीजी की जो ब्राइटनेस की जो वायर है वो आपने देखनी है। इसमें से वो आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगे। आपने क्या करना है, सिंपली अपने पैनल को जो है जिस तरह से मेरे पैनल का ये कनेक्टर है, अपने जो पैनल को जो है उसकी बैक लाइट के ऊपर आपने कनेक्टर कनेक्ट, बेशक वो एलसीडी एलईडी है तो आपने कनेक्टर जो अपने पैनल की बैक लाइट्स के वो कनेक्ट कर देने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पावर सप्लाई को आपने पावर अप करके और किसी सेफ जगह पर रख के, और आपने जो है पहले देखते हैं इसमें 5 वोल्ट आपके इसके मेन कनेक्टर के अंदर जो है 5 वोल्ट कहाँ पर आ रहे हैं, तो उससे आपने फिर क्या करना है, बारी बारी जो है आपने अपने ग्राउंड को छोड़ के जितने भी आपके कनेक्टर्स हैं जो सिग्नल वायर्स हैं आपने उस पर टच करना है। जहाँ पे आपकी एलईडी या एलसीडी की बैक लाइट जो ऑन हो जाए बस वो आपकी जो पल्स की वायर है, और उसी के साथ एक छोटी सी वायर जारी होती है जो कि ब्राइटनेस की वायर होती है, उसको आपने अपने इस यूनिवर्सल बोर्ड के एडीजे के ऊपर लगा देना है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसके सारे कनेक्शंस लिखे हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें गाइस, ये आपको नज़र आ सकता है, ये सबसे पहले नीचे दो 12 वोल्ट होते हैं प्लस 12 वोल्ट, ऊपर सबसे ऊपर दो ग्राउंड होती हैं, बीच में जो है 12 वोल्ट के बाद एक ऑन ऑफ का पॉइंट है, उसके बाद ऑन ऑफ के ऊपर जो एक एडीजे का पॉइंट है जो कि आपका एडजस्ट ब्राइटनेस का पॉइंट होता है। बस ये बिल्कुल यही बहुत सिंपल से कनेक्शंस है, कोई भी बंदा है कर सकता है।
तो अब ज़रा इसको मैं जल्दी के साथ, मैं जिस तरह से मैंने इसको उतारा था, मैं वापस इसको ऐसे ही लगा देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग कैसे होती है। ठीक गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है जल्दी से इसको मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने निकाला था इसको वैसे ही आपने पैक करना। सॉरी, एक चीज़ आप लोगों को दिखाना मैं भूल गया, इसकी कटिंग थोड़ी सी। देखिए, मैंने ये कटिंग आप लोगों को इस पर इसलिए दिखाई थी क्योंकि बहुत रफ़ कटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप लोगों ने पहले अपना कार्ड इसके अंदर रख के देखना है कि कितनी स्पेस है आपके पास, उसके हिसाब से आपने इसको किसी भी वेल्डिंग वाले के पास या उस बंदे के पास लेके जाना जिसके पास ग्राइंडर हो, वो आपको आराम आराम से इसकी कटिंग करके देगा। अगर आप खुद से प्लायर से जिस तरह से मैंने काटा है वैसे अगर आप इसको काटेंगे तो फिर ऐसे ही होगा जिस जो कि मेरे साथ हुए, बहुत ज़्यादा ओल्ड लग गई है। उसके साथ गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो अपने जो कार्ड का कनेक्टर है उसको मैं कट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं टेप करके और इसी के अंदर मैं रख रहा हूँ संभाल के स्पेयर में, क्योंकि अभी गॉड फॉरबिड ये पावर सप्लाई अगर दोबारा इसके ओरिजिनल कार्ड पे यूज़ करनी पड़े या मतलब जो है मैं इन फ्यूचर अगर इसकी मैं पावर सप्लाई चेंज करूँ एक्स वाई ज़ेड रीज़न की वजह से तो ये किसी और के काम ये पावर सप्लाई आ सकती है। तो मैं इसको कट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैं इसकी वायर्स को मैं संभाल के रख रहा हूँ स्पेयर में। ये देखें गाइस, बिल्कुल मैंने कनेक्शन इसके मैंने कर दिए हैं। बस अब इसके ऊपर सिर्फ हमने क्या करना है, पैनल रख के देखना है और उसके बाद जो है बस हमने आगे फिर इसकी फर्दर प्रोसीडिंग करनी है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ में बता दूं, ये आपका पैनल है, ये इसके पीछे इसका मॉडल नंबर लिखा है। आप लोगों ने अगर देखना है कि आप लोगों के पैनल की रेजोल्यूशन क्या है, आप लोगों का पैनल कितने वोल्ट्स पर डिज़ाइन है, आप लोगों ने सिंपली जो अपने जो पैनल का जो मॉडल नंबर है वो आप लोगों ने डालना है गूगल क्रोम पर। उसके बाद उसके आपने PDFs के अंदर जाके उसकी रेजोल्यूशन चेक करनी है, कितनी उसकी रेजोल्यूशन है, कितने उस पर डिज़ाइन है वो, और जो है उसके बाद उसकी पावर देखनी है कितने पावर पर डिज़ाइन है। मेरा जो है 5 वोल्ट्स के ऊपर डिज़ाइन है, मैंने 5 वोल्ट पर इसको जो है सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब इसका हमने क्या करना है, पहले इसका LVDS लगाना है, उसके बाद इसको इसकी फिटिंग में बिठाना है हम लोगों ने। तो LVDS मैं लगा लेता हूँ, फिर इसको फिटिंग के अंदर बिठाना थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि मैं वीडियो अकेला बना रहा हूँ। तो फिर जो है मैं इसको फिट करके फिर आप लोगों को मैं इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। LVDS आपने जैक इस तरीके से लगाना है, सबसे पहले आपने स्क्रीन का एंगल सही कर लेना है, उसके बाद LVDS के जो पिंस जो है ना गोल्डन गोल्डन जो आपको पिंस नज़र आ रही हैं, ये पिंस बिल्कुल आपने स्ट्रेट रख के ऊपर की तरफ लगानी है, ए लाइक दिस। LVDS जैक बिल्कुल फिक्स आ गया है। उसके बाद फॉर सेफ्टी पर्पस आप एक काम करें कि आपका LVDS जैक कभी लूज़ ना हो जाए, पहले आप अच्छी तरह से प्रेस करके लगा दें इसको। उसके बाद कोई भी सोल्यूशन टेप ले लें, कोई भी टेप थोड़ी सी लेके ना, और आप जो है अपने इसको जो है ये पैनल की बॉडी के साथ इस तरह से ऐसे करके इसको फिक्स कर दें कि गॉड फॉरबिड कभी खींचने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से आपका LVDS जैक जो है वो ढीला ना हो। ये देखें गाइस, ऐसे करके बस आपने इसको टेप लगा देनी है, ये हो गया सेट। उसके बाद जो है आप लोगों ने जो आपका जो ये LED लाइट का जो जैक है इसको आप लोगों ने सबसे पहले इसको पैनल में लगाना है। ये देखिए पैनल में लग गया, उसके बाद इसको उसके पावर सप्लाई के कार्ड में लगा देना है। ये देखिए कुछ ऐसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये इस साइड से पैनल में लगा हुआ है और ये इसके जो है कार्ड के अंदर लगा हुआ है पावर सप्लाई में। तो अब जल्दी से मैं ज़रा इसकी मैं पहले बॉडी में इसको बैठा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों के पास आता हूँ। जी गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से स्क्रीन मैंने पैक कर ली है और बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब मैं ज़रा इसको ऑन कर लेता हूँ, आप इसको यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, मैं ज़रा ये लाइट बंद कर दूँ, उसके बाद आप लोग इस पर डिस्प्ले देख सकते हैं। ये देखिए ये डिस्प्ले इसने दे दिया, आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये जैसे मैंने पहले बताया लाहौर से आई है, तो उन लोगों ने अपनी इसके ऊपर जो साइन वगैरह करके भेजी है कि गॉड फॉरबिड अगर पैनल ख़राब हुआ तो वो चेंज कर देंगे इसको। ये देखें गाइस, बिल्कुल ठीक हो गई है स्क्रीन, ये हो गई है। और अब आप इसके पीछे से भी ज़रा बैक लुक भी चेक कर लें आप इसकी, ये देख सकते हैं आप लोग। आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदे ने सेंसर जो इसका जो है रिमोट वाला पीछे से इसने क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने आपको मैं जिस तरह से पहले ही बताया मैंने बस इस स्क्रीन को सिर्फ VGA के ऊपर सेट कर देना है, मुझे इसके ऊपर कोई TV नहीं चलाना, कोई HDMI चलानी, कुछ भी नहीं करना इसके ऊपर। बेसिकली ये स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त थी तो उसके लिए इसके फ्रेम को मैं आगे से काटना नहीं चाह रहा था ये लगाने के लिए। तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसका वो जो बटन वाला जो होता है जो पैनल होता है उसको हटा दिया, मैंने जो इसका सेंसर का है जो ये पैनल सेंसर है इसका जो IR सेंसर है इसको मैं कहीं पे भी नीचे या कहीं इधर उधर डबल टेप से मैं लगा लूँगा ताकि अगर कभी रिमोट से इसकी रेजोल्यूशन वगैरह मतलब इसका जो वो आता है एस्पेक्ट रेशियो वगैरह अगर चेंज करना पड़ा तो वो इजीली कर सकते हैं, और ऑन ऑफ के लिए जो है मैं इसको रिमोट से यूज़ करूँगा। अदरवाइज मुझे इसकी जो है ना सेंसर की ज़रूरत है, कोई इसकी की मुझे ज़रूरत है। इसको मैं सेट भी जो है ऑटो ऑन के ऊपर इसको मैं सेट करूँगा।
अब आप लोग इसके फिर से एक दफ़ा फ्रंट की लुक चेक कर लें, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये रिमोट है, इसका रिमोट से भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसको। ये आगे मेन्यू का बटन, ये आपका आगे वॉल्यूम का बटन, और ये चैनल का बटन है। ठीक है गाइस, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अब एक और स्क्रीन है आप लोगों के साथ जो शेयर करनी है, जो कि मैं अपने सीसीटीवी कैमरा पे यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ एलसीडी स्क्रीन। उसके ज़रा इन्वर्टर कार्ड में मसला आ गया, उसके मैं इन्वर्टर कार्ड रिप्लेस करूँगा, तो उसकी भी है अभी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जी गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि वो दूसरी जो थी एलसीडी स्क्रीन थी, वो मेरे जो पहले रिपेयर की थी वो एलईडी थी, और ये जो है ये एलसीडी स्क्रीन है। इसको मैंने पहले ही खोल लिया है, क्योंकि सारी एलसीडीज और एलईडीज को खोलने का तकरीबन सेम ही तरीका होता है। तो इसका बेसिकली जो इन्वर्टर कार्ड है ये वीक हो गया है। एक तो ये बहुत कम जो है ये इसकी ब्राइटनेस है, और दूसरा ये कभी कभार चलता है, अगर नहीं चलता तो फिर इसको जो है हेयर ड्राई करना पड़ता है गर्म करने के लिए। तो ये इसका मैं मार्केट से जो है ये मैं ब्रांड न्यू ये लेके आया हूँ लैम्प कार्ड ये वाला, और उसके साथ उन्होंने ये जो इसका जैक है ये भी मुझे दूसरा मिला है, और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा, और जो है इसकी सुपर फास्ट इसकी जो है एलईडी लाइट के इसका वो है बीम है इसकी। तो अब ये ज़रा इसके अंदर मैं पहले इसको जल्दी से इसके ऊपर के कवर में रिमूव कर लेता हूँ, पर आप लोग उसके मैं कनेक्शंस बताता हूँ। जी गाइस, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसका जो लैम्प कार्ड था वो उसके अंदर मैंने लगा लिया है। तो बिल्कुल बेसिक और सिंपल सा तरीका है आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ। ये इसका लैम्प कार्ड मैंने लगाया इसके अंदर बिल्कुल नया वाला। बेसिकली आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये कनेक्शंस के आप लोगों ने चेक कर लेने हैं। यहाँ पे ये आपके यूनिवर्सल बोर्ड पे भी लिखा होता है और ये लैम्प कार्ड पे भी लिखा होता है। ऊपर वाली जो दो है वो ग्राउंड है, उसके बाद जो है वो आपकी जो है एडीजे होगी, उसके बाद आपकी जो है वो ऑन ऑफ की होगी, फिर जो सब नीचे जो दो होंगी वो आपकी 12 वोल्ट की होंगी। और अंदर भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी वायरिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इसके जो है पैनल सेंसर की वायर जा रही है, ये एलवीडीएस जैक है इसका, ये पावर सप्लाई इसकी 12 वोल्ट की, और ये जो है ये इसके लैम्प कार्ड के कनेक्शंस जा रहे हैं। पुराना वाला जो इसका लैम्प कार्ड था वो ये पड़ा हुआ है, उसके साथ बेसिकली हुआ है थे पहले भी एक दफ़ा ख़राब हुआ था, उसकी प्रोटेक्शन तो मैंने ऐसे बाईपास कर दिया था, तो ये कुछ एक साल चला, उसके बाद जो है ये इस तरह से ये बर्नट आउट हो गया सारा, ये देख सकते हैं आप। तो अब ज़रा मैं ये पैनल जो है इसके अंदर मैं फ़िक्स कर लेता हूँ। एलवीडीएस जैक बिल्कुल सेम तरीके से आपने लगाने, जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के पास आता हूँ। गाइस ये देखें, अब मैंने जो है इसका इन्वर्टर कार्ड मैंने लगा लिया है, इसके कनेक्टर्स भी मैंने लगा लिए, उसकी आगे स्क्रीन भी मैंने लगा ली है, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने अब क्या किया, प्रोटेक्शन के तौर पे मैंने ये जो इसके जो कनेक्टर्स मैंने लगाए हैं फ्लोरोसेंट लैंप्स के, जो ट्यूब लाइट्स हैं इसकी सीएफएल जो लाइट्स हैं फ्लोरोसेंट लैंप्स, उसके मैंने कनेक्टर्स के ऊपर मैंने अच्छी तरह से हॉट गन फेंक दी है। क्योंकि गाइस आप लोगों को जैसे पता होगा इसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज हाई टेंशन वोल्टेज होते हैं, इसके अंदर एचडी होती है, ये बंदे को अगर लग जाए तो बहुत जो है स्किन भी जला सकती है ये, और बहुत बुरा इसमें करंट होता है। तो आप कोशिश करें जब भी आप काम करें, अगर सीआरटी टीवी में काम करें उसकी भी वो फ्लाईबैक बहुत हाई वोल्टेज की होती है, या इसके अंदर एलसीडीज में काम करें, एलईडी के जो वोल्टेज होते हैं उसके जो वो लैम्प कार्ड के वो इतने डेंजरस नहीं होते, क्योंकि वो डीसी होते हैं, ये हाईली एसी वोल्टेज होते हैं हाई टेंशन, तो ये बहुत ख़तरनाक होते हैं ये। तो आप कोशिश करें यहाँ पर कोई लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए हाई टेंशन की, वरना आपकी पूरी स्क्रीन में करंट आ सकती है, कार्ड भी आपका फारिग हो सकता है। तो ये देखिए, मैंने इसको बिल्कुल मैंने पैक कर लिया है, और अब हम ज़रा इसको एक दफ़ा पावर लगा के देखते हैं कि इसकी जो लैंप से अंदर से फ्लोरोसेंट्स ऑन हो रहे हैं नहीं। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने पावर लगा रहा हूँ, उसकी पावर लग गई है। ये असल में इसको ऑटो ऑन पे मैंने रखा हुआ है, इसलिए इसके मैंने अभी पैनल आगे से नहीं लगाया। अब ज़रा स्क्रीन हम टर्न कर लेते हैं गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं इसका मैं, ये देखें ये आगे थोड़ी देर ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सही सलामत स्क्रीन ऑन हो गई है। अब ज़रा इसको जल्दी के साथ जो है इसके केसिंग के अंदर डाल देते हैं, और फिर इसकी ज़रा हम लोग फाइनल लुक चेक करते हैं। गाइस स्क्रीन बिल्कुल पैक कर ली है मैंने, अब जो है अब इसकी ज़रा फाइनल टेस्टिंग करते हैं इसकी पावर लगा के। सबसे पहले मैं ज़रा इसको सीधा करके आप लोगों को इसकी स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये देखें गाइस, अब ज़रा हम इसकी पावर लगाते हैं। ये है पावर लीड, इसकी पावर लीड गाइस ये देखें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी ये लाइट ब्लू हो चुकी है। अब इसका डिस्प्ले आएगा, ये देखें गाइस डिस्प्ले ऑन हो गया इसका बिल्कुल आप लोगों के सामने, ये देखें
ये बेसिकली मैं अपने सिक्योरिटी कैम पे इसको यूज़ कर रहा हूँ सिंगल कैम पे, इसलिए एवी के ऊपर है। देखें गाइस बिल्कुल ठीक हो गई है। और राइट गाइस, आज आप लोगों के सामने मैंने दो स्क्रीन रिपेयर की हैं, एक एलईडी स्क्रीन रिपेयर की है जिसका आप लोगों से मैंने पहले प्रॉमिस किया हुआ था कि जिसमें मैं आपको कार्ड डालना सिखाऊंगा, क्योंकि वो उसकी डिलीशन इस वजह से हुई थी क्योंकि मेरा आप लोग देख सकते हैं सामने पैनल पड़ा हुआ है, ये वाला पुराना वाला ये ख़राब हो गया था, कोई रिपेयर नहीं कर सका इसको। तो ये जो है फिर यहाँ पे मिल नहीं रहा था, तो मुझे लाहौर में बड़ी मुश्किल से एक बंदे से एलईडी पैनल मिला था जो कि मेरी गेमिंग पीसी का है। और अब जो है ये मेरी एक सिक्योरिटी कैम की स्क्रीन थी, ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करी थी, उसके अंदर फॉल्ट ये आ गया था कि आप लोगों जैसे मैंने पहले बताया था इसका इन्वर्टर कार्ड ख़राब हो गया था। तो ये माशाल्लाह से दोनों स्क्रीन रिपेयर हो गई हैं। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हैप्पी एंड स्टे लव ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।